हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द यात्रा स्टोरीज ऑफ घुमक्कड़ तुषार। और ये आपका घुमक्कड़ दोस्त आज आपको घुमा रहा है मसूरी, यस द हार्ट ऑफ उत्तराखंड, द क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाने जाने वाला हिल स्टेशन। और दिल्ली एनसीआर वालों की तो फेवरेट डेस्टिनेशन है, वीकेंड पे वहीं पाए जाते हैं अक्सर दिल्ली एनसीआर वाले। बहुत गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, चलो मसूरी पहाड़ देखने हैं, चलो मसूरी शादी के बाद, चलो मसूरी भाई का ब्रेकअप हो गया, चलो मसूरी। तो दिल्ली एनसीआर वालों का तो रिफ्रेशिंग पॉइंट है भाई मसूरी। चलो फिर घुमाते हैं आपको मसूरी। और फ्रेंड्स दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग निकल गए कार से, और अर्ली मॉर्निंग ही बेटर है दिल्ली से एग्जिट करना, नहीं तो दिल्ली के ट्रैफिक ही चारधाम यात्रा करा देता है दिल्ली में। और फ्रेंड्स सूरज निकल गया है और एकदम क्रिस्टल क्लियर स्काई है। और रूट की बात करूं तो दिल्ली से मसूरी वाया मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद एंड देन सहारनपुर बाईपास से देहरादून एंड देन मसूरी। और डिस्टेंस भी अप्रोक्स दिल्ली से 280 किलोमीटर है, और अभी अभी मुजफ्फरनगर क्रॉस किया है, और मतलब ऑलमोस्ट जीरो ट्रैफिक मिला है अब तक तो। एंड फ्रेंड्स क्रॉसिंग देवबंद, और रोड तो एकदम मस्त है, मतलब पहले मेरठ एक्सप्रेसवे था, देन मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे चल रहा है ये। पर एक लॉजिकल बात बताऊं, बिकॉज मैं काफ़ी बार मसूरी गया हूँ कार से, तो दिल्ली एनसीआर वाले ना वीकेंड पे पहाड़ों की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो बेटर है भाई प्लान करके थोड़ा टाइमिंग पे ही निकल जाएं दिल्ली से और जल्दी निकल जाएं, नहीं तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। और बहुत सारे ढाबे हैं हाईवे पे, तो उनको भी सेवा का मौका दें। और भाई लोजी जंगल तो स्टार्ट हो गए दोनों साइड, पेड़ ही पेड़ और प्लेन एरिया खत्म, और अब थोड़ा सा आगे ऐसा ही रूट रहेगा पूरा पहाड़ी वाला। और दोस्तों अभी हम राजाजी नेशनल पार्क का एरिया क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छा प्लेस है वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए, बिफोर देहरादून ये एरिया पड़ता है, एक्सप्लोर करने लायक प्लेस है। बट हमें तो अपनी मंजिल पर निकलते हैं टुवर्ड्स मसूरी। और भाई लोजी पहाड़ भी स्टार्ट हो ही गए हैं, और देहरादून से पहले ये थोड़ा पैच पड़ता है, मतलब देहरादून की लोकेशन भी कितनी मस्त है, मतलब चारों तरफ पहाड़ से कवर्ड है, और जहां एक साइड एंट्री है उत्तराखंड की और बाकी तीन साइड से पहाड़ है। और अभी तो हाईवे का काम चल रहा है दिल्ली देहरादून प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे, पर यार ये भी सोचने वाली बात है कि देहरादून की एक अच्छी सी कनेक्टिविटी रोड अब तक नहीं बनी है। खैर देखो अब कब तक बनता है एक्सप्रेसवे। और फ्रेंड्स इस टनल में एंट्री करते ही वी एंटर्ड इन देहरादून, मतलब उत्तराखंड में आपका स्वागत है, और एक अच्छा खासा बसा बसा है शहर देहरादून। और यार कुछ ज्यादा ही बस गया है शहर देहरादून भी, मतलब कितना ट्रैफिक है, भीड़ भाड़, चैं चैं पों पों, कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड है भाई। और फ्रेंड्स जैसे तैसे देहरादून के ट्रैफिक से निकलते हुए हम आ पहुंचे हैं मसूरी रोड पे, और अब बस 30 किलोमीटर दूर अपना डेस्टिनेशन मसूरी। मतलब मसूरी की एक छोटी सी ट्रिप हो, चाहे फिर वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, मतलब मसूरी सबका दिल जीत लेता है, मतलब बजट ट्रिप की बात हो, छोटी सी ट्रिप हो, या लैविश ट्रिप हो, या वेदर की बात हो, मतलब सबका प्लान में, सबके प्लान में फिट हो जाती है मसूरी की ट्रिप। और फ्रेंड्स अगर आपका चार पांच बंदों का ग्रुप है तो कार बेस्ट है मसूरी के लिए, पर हाँ सीजन टाइम पे, पीक टाइम पे यहाँ ट्रैफिक ना आपकी आंखों से आंसू निकाल सकता है, सो प्लान केयरफुली। और ट्रेन की बात करूँ तो देहरादून इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, और देहरादून इंडिया के सब मेजर लोकेशन से कनेक्टेड है, और देहरादून से जस्ट 3 किलोमीटर दूरी है मसूरी, और टैक्सी वाले भी अप्रोक्स 40-45 मिनट में आपको मसूरी पहुंचा देगा, और फ्लाइट भी से भी आप आ सकते हैं, देहरादून एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है, पर बाय रोड आने का भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और लो जी 80 आ गए मसूरी, और हमारा होटल मॉल रोड के पास ही है, तो कार होटल की पार्किंग एरिया में खड़ा करके थोड़ा सा रिफ्रेश होके फिर आप एक्सप्लोर करते हैं मसूरी को। और एक ध्यान देने वाली बात है, अगर जो आप कार से आ रहे हैं और तो अपनी कार को मॉल रोड से जितना दूर रखें तो दूर ही रखें जितना हो सके, नहीं तो कार भी बैठे रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वीकेंड। और लो जी फ्रेंड्स स्टार्ट कर दिया है बाय वॉक एक्सप्लोर करना मसूरी को, एंड वी आर ऑन द मॉल रोड मसूरी। और अब मॉल रोड का नाम सुनते ही शिमला की मॉल रोड मत याद करने लग जाना, बिकॉज शिमला की मॉल रोड थोड़ा चौड़ा और लगता है यार बड़ा है थोड़ा, और यहाँ थोड़ा रश भी थोड़ा ज़्यादा है मॉल रोड पे, और मॉल रोड थोड़ा छोटा है मसूरी का, और वैसे हम पीक टाइम में भी आए हैं तो ट्रैफिक तो रहेगा।
और फ्रेंड्स क्या जबरदस्त भीड़ है यहाँ पे, और खाने पीने को चिल आउट करने को काफी सारे कैफेज रेस्ट्रो शॉप्स हैं यहाँ पे, और जाए तो थोड़ा आनंद लें यहाँ का, यहाँ के मोमोज, कैफे, पेस्ट्री, रबड़ी जलेबी, गर्मा गर्म गुलाब जामुन और बहुत कुछ है। और मसूरी स्वीट करके एक फेमस छोटी सी शॉप है, स्वीट शॉप है, दिल खुश कर देगी वो आपका, मतलब क्या मस्त गर्मा गर्म गुलाब जामुन देता है वो, रबड़ी जलेबी, और वैसे सब कुछ हजम हो जाता है मॉल रोड पे वॉक करने से। और फ्रेंड्स मॉल रोड पर बस यूं ही घूमना भी ना एक अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और वैसे किसी भी हिल स्टेशन में आप जाओ तो आपको मॉल रोड मिलेगी, चाहे फिर वो शिमला हो, नैनीताल हो या मसूरी, मॉल रोड आपको हर जगह मिलेगी। और लोकेशंस की बात करूं मसूरी में तो मॉल रोड मसूरी, गनहिल पॉइंट, कैमलबैक्स रोड, लाल टिब्बा, लंडौर, चर्च और बहुत कुछ है यहाँ पे। और हाँ, मसूरी से थोड़ी ही दूर पे है केम्प्टी वाटरफॉल, मतलब मसूरी आए और केम्प्टी नहीं गए तो भाई आए क्या थे लेने मसूरी में, बेस्ट पॉइंट है इस मसूरी केम्प्टी वाटरफॉल। एंड देन पीसफुल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट टेम्पल, और कंपनी गार्डन है, IAS अकेडमी लबासना, मतलब दूर से देख सकते हैं, अंदर जाने के लिए तो UPSC क्लियर करना पड़ेगा, और काफी कुछ है यहाँ एक्सप्लोर करने को मसूरी। और फ्रेंड्स यहीं पे मॉल रोड पे ही गनहिल पॉइंट रोपवे का टिकट लिया था, मसूरी रोपवे जो है, और कोविड के बाद भी काफी महंगा हो गया यार, मतलब ऑलमोस्ट 180 रुपीज पर हेड का टिकट है, और उसमें भी बहुत लंबी वेटिंग है, और 2 घंटे बाद हमारा नंबर आएगा, तो टिकट तो ले लिया है, अभी मॉल रोड एक्सप्लोर करके फिर देखते हैं। और फ्रेंड्स अब हम घूमते घूमते मॉल रोड के दूसरे और सबसे भीड़ भाड़ वाले पॉइंट पे आ गए हैं, द फेमस लाइब्रेरी चौक मसूरी। और अब जो लोग ना बस से या टैक्सी से आते हैं मसूरी ना, वो यहीं पे लैंड होते हैं अक्सर, और भीड़ भाड़ तो आप देख ही रहेंगे चारों तरफ कितना ट्रैफिक है। और फ्रेंड्स यही तो नजारे हैं मसूरी के, 7500 फीट की हाइट और ये हसीन वादियां, कुछ ना करो बस देखते रहो इन वादियों। और वैसे इन फिजाओं के इतने दीवाने आ जाते हैं भटक कर वीकेंड में यहाँ, कि फिजा भी कहती है कि ए दीवानों तुम्हारी रजा क्या है, मतलब क्या टोटल हाउसफुल है आज मसूरी तो। और वैसे अगर आप नेचुरल लवर हैं तो ऑफ सीजन में ही आना भाई, नहीं तो धोला कुआं का जो बस स्टैंड है या फिर CPA के पालिका बाजार जैसा दिखता है कभी कभी तो मसूरी। और फ्रेंड्स मसूरी की जो मॉल रोड है वो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर लंबी है, मतलब इधर कुलरी बाजार, पिक्चर पैलेस से लेकर गांधी स्टैचू, लाइब्रेरी चौक तक, और 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, और आपको यह सब कुछ मिलेगा जो एक मॉल रोड में होना चाहिए, रेस्ट्रो है, कॉफी शॉप, फास्ट फूड, रेडीमेड गारमेंट, वुलन्स, जैकेट, हैंडलूम, सब कुछ है यहाँ पे। और व्हीकल्स शाम को 4 से 10 बजे तक बिल्कुल बैन होता है यहाँ पे चलाना, और वैसे तो कम्प्लीटली बैन हो जाना चाहिए मॉल रोड पे व्हीकल्स का, और काफी स्टीप रास्ते हैं बीच बीच में, तो अगर जो आप यहाँ व्हीकल लेके आए तो भाई ड्राइविंग में एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगी भाई गाड़ी यहाँ पे, और कार हो तो अवॉइड ही करें मॉल रोड को। और फ्रेंड्स थोड़ा मसूरी ट्रिप के बजट और टाइमिंग की बात करूं तो अगर आपका 2-3 बंदों का ग्रुप है या सोलो ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे सस्ती और टिकाऊ चीज है ट्रेन, मतलब देहरादून ट्रेन तक आए और फिर बस या कैब से आप इजिली मसूरी आ सकते हैं। और ट्राई करें होटल बुक कराएं तो मॉल रोड के नियर बाई कराएं, आसपास ही कराएं, बिकॉज रात में अच्छे से मॉल रोड आप घूम सकते हैं। और अगर जो आप कार से आ रहे हैं तो पार्किंग इज अ बिग इशू हियर, तो भाई जिस होटल में पार्किंग हो तो पार्किंग का एडजस्ट कर लेना। और कैंपटी जाने के लिए टैक्सी स्टैंड पे आपको बहुत सारी कैब मिल जाएंगी और आपको इजीली टैक्सी मिल जाएगी, और कैंपटी थोड़ा जल्दी ही निकले बिकॉज मसूरी में ट्रैफिक जैम में फंस जाओगे तो आपका यार पूरा प्लान खराब हो जाएगा। और ऑफ सीजन में आपको 800,000 तक का होटल ठीक ठाक सा मिल जाएगा, और पीक टाइम में वही रूम आपको डबल ट्रिपल रेट में मिलता है। सो भाई एडवांस बुकिंग कराना तो वही ऑप्शन है, वही बेटर है, सो प्लान अकॉर्डिंगली भाई। और फ्रेंड्स मॉल रोड के सेंटर में ही एक इवेंट एरिया है जिसको शहीद पार्क मसूरी के नाम से जाना जाता है, मतलब जब उत्तराखंड स्टेट उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो काफी संघर्ष किया था यहाँ के लोकल्स ने, और उन्हीं की याद में ये लोकेशन है शहीद पार्क, और यहाँ पर काफी कुछ इवेंट्स अक्सर होते ही रहते हैं। और फ्रेंड्स फाइनली हम चलते हैं रोपवे की ओर, और शायद अपना नंबर आ गया है, और काफी वेटिंग के बाद चलो फिर घुमाते हैं आपको मसूरी का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट, द गनहिल पॉइंट।
और फ्रेंड्स गनहिल पॉइंट काफी अच्छा सनसेट पॉइंट है और काफी सारी शॉप्स और रेस्टोरेंट हैं चारों ओर। सो थोड़ी सी सर्दी भी लग रही है अब तो, यहाँ पे हाइट अच्छी होगी। स्टनिंग एंड पीसफुल द गनहिल पॉइंट मसूरी। एंड फ्रेंड्स इन द नाइट वॉकिंग ऑन द मॉल रोड, और यही तो मजा है यहाँ टहलने का यार। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मसूरी आए तो ट्राई करना मॉल रोड के आसपास ही होटल लें, कार को पार्किंग एरिया में लगाएं और जब मन करे निकल जाओ मॉल रोड पे घूमने। और अगर आप ट्रेन या बस से आ रहे हैं मसूरी तो फिर पार्किंग का टंटा ही खत्म, कहीं भी रूम मिले ले लो मॉल रोड के आसपास। और फ्रेंड्स आप यहाँ घंटों घूम सकते हैं मॉल रोड पे, दिन में देहरादून के व्यूज देखो और रात में जगमगाती हुई मसूरी देखो। और अगर नाइट में टहलना है मॉल रोड पे तो भाई थोड़ा गर्म कपड़े लेके आना, नहीं तो पता ही है मिनटों में मौसम बदलता है यहाँ मसूरी में। और फ्रेंड्स यहाँ मॉल रोड पे ढेर सारे इवेंट्स भी होते हैं, लाइक न्यू ईयर पार्टीज, विंटर कार्निवल, समर इवेंट्स, डीजे नाइट और काफी कुछ होता है। तो अगर कभी टाइम मिले तो स्पेशल इवेंट्स में पधारे हैं मसूरी और एंजॉय करें मॉल रोड और मसूरी को। और फ्रेंड्स रात काफी हो चुकी है और अब चलते हैं होटल की ओर और फिर मिलते हैं कल सुबह केम्प्टी वाटरफॉल। और फ्रेंड्स सुबह सुबह मॉर्निंग में ही आफ्टर ब्रेकफास्ट निकले हैं टुवर्ड्स केम्प्टी, और 17-18 किलोमीटर दूर है मसूरी से एक बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल है केम्प्टी फॉल्स। और 150 साल से ब्रिटिशर्स के टाइम से ही केम्प्टी यहाँ का सबसे फेमस पिकनिक स्पॉट रहा है। और फ्रेंड्स कितनी भीड़ है यार मॉर्निंग में भी, मतलब बताया था ना दिल्ली एनसीआर वालों की फेवरेट लोकेशन है मसूरी, पलक झपकते ही पहुंच जाते हैं पहाड़ों पर दिल्ली एनसीआर वाले। और फ्रेंड्स अगर आप केम्प्टी जा रहे हैं तो कुछ बातों का तो भाई स्पेशल ध्यान रखें। पहले तो कि अपना कैमरा रेडी रखें बिकॉज बहुत सारे अमेजिंग व्यूज दिखेंगे आपको केम्प्टी में भी और रास्ते में भी। और हाँ बाथिंग सूट या फिर एक्स्ट्रा कपड़े चड्डी तौलिया जरूर रख लें, और आपको नहाना भी नहीं है तब भी रख लें बिकॉज कहीं केम्प्टी को देख के आपका मन बन जाए और डुबकी लगा लें। शूज अच्छे हों, कंफर्टेबल हों और थोड़ी चढ़ाई भी करनी पड़ सकती है। और भाई अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका हाथ कस के पकड़े रखें बिकॉज कभी कभी केम्प्टी में पानी बहुत स्पीड से आता है। और क्या रास्ते हैं यार केम्प्टी जाने का, मतलब गजब की नेचुरल ब्यूटी है यार। और फ्रेंड्स एक पते की बात, अगर जो आप कार से जा रहे हैं तो पार्किंग थोड़ा केम्प्टी फॉल से पहले लगा लें, ज्यादा क्लोज ना लगाएं बिकॉज अगर तो जाम लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है कि थोड़ा पहले लगा लें तो वापसी निकलने में आसानी रहेगी। और फ्रेंड्स दूर से ही मैं आपको 50% केम्प्टी फॉल का व्यू दिखा रहा हूँ और अच्छा खासा स्लोप से यहाँ पे पानी आता है और दूर से दिखाई देता है काफी दूर से केम्प्टी फॉल। और फ्रेंड्स ये रोड है बीच में और 50% जो वाटरफॉल है वो नीचे है जहाँ रोपवे की फैसिलिटी भी है जाने के नीचे तक, और 50% वाटरफॉल ऊपर है। तो आप यहाँ फुल डे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे से नहाओ वाटरफॉल में। और फ्रेंड्स नीचे का व्यू तो आपने देख ही लिया, ऊपर का भी दिखाते हैं केम्प्टी का कैसा दिखता है केम्प्टी, और दिखाते हैं आपको आगे। और यार क्या जबरदस्त लोकेशन है केम्प्टी फॉल, मतलब एवरीवन इज एंजॉयिंग हियर। और यहाँ ऊपर वाटरफॉल को काफी सारे लेवल्स में, फ्लैट लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। एक लेवल में कुछ टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं और फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो फिर एक लेवल में रनिंग वाटर का स्विमिंग पूल टाइप का मिलेगा, और फिर थोड़ा और ऊपर जाएंगे फिर एक और लेवल ऐसा ही मिलेगा, मतलब अलग अलग फ्लोर पे है वाटरफॉल। और फ्रेंड्स ये एक नया लेवल और रनिंग वाटरफॉल वाला स्विमिंग पूल टाइप का है, और टूरिस्ट तो पागल हो गए हैं पानी देख के भाई। और फ्रेंड्स वैसे मॉनसून टाइम में कभी कभी बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, मतलब यहाँ पे मतलब इतनी तेज पानी का फ्लो आता है केम्प्टी में, मतलब ऐसा लगता है केम्प्टी पूरे साल का गुस्सा एक बार में निकाल देता है, ऐसा फील आता है। तो बेटर है उस टाइम फॉल से दूर रहें, नहीं तो पूरे साल का गुस्सा आप पे निकल जाएगा।
और फ्रेंड्स अब तो मेरे से भी नहीं रुका जा रहा भाई, मैं करता हूँ कैमरा बंद और मैं भी एक आधी डुबकी लगा लेता हूँ कैंप्टी फॉल में। और फ्रेंड्स काफी लोग नीचे भी जाते हैं कैंप्टी के, पर अब नीचे गए तो काफी कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएंगे हमारे मसूरी में, तो चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर। और हाँ यार, कैंप्टी इज द बेस्ट लोकेशन ऑफ मसूरी, तो भाई इसको कभी भी आए तो मिस मत करना बिल्कुल। और फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं कैंप्टी से और हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन शेडे चॉम्पेलिंग बुद्धिस्ट टेम्पल की ओर, तो चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना आईएएस एकेडमी से 1 किलोमीटर दूर और कंपनी बाग से 2.5 किलोमीटर दूर, वी आर हियर एट वन ऑफ द पीसफुल बुद्धिस्ट टेंपल हियर इन मसूरी। और फ्रेंड्स एक छोटा सा तिब्बतन बुद्धिस्ट टेंपल है और इस वैली को हैप्पी वैली के नाम से भी जाना जाता है। चारों ओर एक पीसफुल एनवायरमेंट, मेडिटेशन के लिए बेस्ट पॉइंट है यार, बस थोड़ी देर बैठो यहाँ आराम से और फील करो यहाँ की शांति को, पीसफुल एनवायरमेंट। और फ्रेंड्स हैप्पी वैली जहां दलाई लामा एज ए रिफ्यूजी रहे थे यहाँ पे, और 1959 में भारत सरकार ने तिब्बतन रिफ्यूजी को यहाँ सेटल भी किया था, और काफी सारे तिब्बतन रिफ्यूजीज अभी भी यहाँ रहते हैं, टेंपल है उसकी टेक केयर करते हैं, तिब्बतन स्कूल्स भी हैं, एक कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट है तिब्बतन के लिए। और फ्रेंड्स ये बुद्धिस्ट टेंपल और उनकी ये रोटेटिंग व्हील्स जिनको घुमाने से माना जाता है कि आपके दुख और कष्ट कम होते हैं, तो कर लेते भाई थोड़े दुख हम भी कम। और फ्रेंड्स आप यहाँ टेंपल से बहुत सारे दून वैली की अमेजिंग व्यूज देख सकते हैं और आप यहाँ सनसेट का भी आनंद उठा सकते हैं, मतलब क्या व्यूज है यार, बेहतरीन व्यूज। और फ्रेंड्स बगल में ही है कंपनी बाग, और मैं तो यहाँ 3-4 बार पहले भी आ चुका हूँ, पर जब फैमिली को बताया कि गार्डन है वो, मतलब अच्छा गार्डन है कंपनी बाग, तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं किया जाने का और फिर हम होटल की तरफ आ गए। और फ्रेंड्स फैमिली रेस्ट करी होटल में और मैं तो चैन से बैठने वाला नहीं, तो निकल गया हूँ लंडा और लाल टिब्बा की ओर, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मसूरी बाय वॉक इन द वुड्स। और फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा स्टीप रास्ते हैं, मतलब एकदम खड़े रास्ते हैं मसूरी टू लंडा और गूगल मैप के अकॉर्डिंग पैदल पैदल जा रहे हैं टुवर्ड्स लाल टिब्बा। चलो फिर दिखा दें आपको। और मैं तब लंडौर की बात करूं तो एक छोटा सा परफेक्ट टाउन है, स्मॉल आर्मी कैंटोनमेंट, कुछ घर हैं, 1-2 चर्च है, मतलब परफेक्ट वॉकिंग टाउन है। और 3-3.5 किलोमीटर का एक ट्रैक है, और जिनको वॉकिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो यार इस ट्रैक के बारे में सोचना भी मत, बिकॉज बहुत ज्यादा स्टीप रास्ते हैं और बस चलते चलते आपको अगल बगल में खूबसूरत नजारे भी दिख जाएंगे। एंड फ्रेंड्स दिस इज द लंडौर क्लॉक टावर, मतलब एक छोटा सा क्यूट सा हिल स्टेशन का क्यूट सा क्लॉक टावर छोटा सा। और चलो अभी तो रास्ते काफी स्टीप हैं और काफी दूर है अपने लोकेशन, घुमाते हैं आपको इन पतली पतली गलियों में। और फ्रेंड्स जब आप मसूरी से तंग हो आ जाएं, मतलब दिल्ली एनसीआर वाले तो कब्जा कर ही लेते हैं वीकेंड्स पे, और मॉल रोड में एक दूसरे के सर पर चढ़ के निकलना पड़ता है कई बार, तो मतलब इतना भीड़ रहता है, और आप दुखी हो जाएं तो फिर थोड़ा ऊपर आ जाएं लंडौर की तरफ और टूरिस्ट की भीड़ भाड़ से दूर इन हसीन वादियों में बस पैदल घूमो और कोने कोने एक्सप्लोर करो। साथ में एक आध मस्त कैफे है, रेस्ट्रो बार सब कुछ है यहाँ पे, मतलब यार और सब हाईफाई टाइप का है, वो भी एकदम ब्रांडेड, मतलब मजाक समझ रहे थे क्या लंडौर को, इनफैक्ट आपको मजा आ जाएगा यहाँ घूमने। और फ्रेंड्स बारिश तो यहाँ कभी भी हो जाती है, मतलब मौसम तो अभी भी बना हुआ है पर बादल बोल रहे हैं भाई घूम ले बेटा घूम ले। और देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं, देवदार से ढका हुआ पूरा फॉरेस्ट और एक साफ सुथरा रास्ता। और हाँ भाई रस्किन बॉन्ड का नाम सुना है, जेम्स बॉन्ड नहीं रस्किन बॉन्ड, उसी का होम टाउन है लंडौर, अ फेमस एंग्लो इंडियन ऑथर। और पता है बॉन्ड साहब के पड़ोसी कौन है, हिंदी फिल्म डायरेक्टर विशाल भारद्वाज,
काफी फेमस लोग आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं। और फ्रेंड्स, लंडौर का अपना बहुत पुराना ब्रिटिश एरा का इतिहास रहा है। मतलब मसूरी तो मसूरी है ही, पर लंडौर भी किसी से कम नहीं है। और फ्रेंड्स, अब हम घूमते घूमते आ गए यहाँ का बेस्ट कैफे पॉइंट, चार दुकान, मतलब अब चार से छह दुकान हो गई हैं। और ब्रिटिश इरा के टाइम का एस्टेब्लिशमेंट है। और ये दुकान समझ के ना, ये लोकल लोकल मत समझ लेना, बहुत ही जबरदस्त कैफे है। और किसी ने सचिन तेंदुलकर की पिक लगा रखी है कि यहाँ मोमोज खाए थे सचिन ने, तो कोई बोल रहा है कि अजय देवगन ने सैंडविच खाए थे। मतलब गजब की जगह भाई। और फ्रेंड्स, गजब का आर्किटेक्चर इस हिल स्टेशन का, मतलब थैंक्स टू आर्मी कैंटोनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, नहीं तो होटल तो यहाँ भी खड़े कर देते बहुत सारे। और फ्रेंड्स, चार दुकान के बगल में ही है ब्रिटिश एरा टाइम की सेंट पॉल चर्च, मतलब 1839 में बनी थी चर्च। और आपको एक अलग से सुकून को फील कर सकते हो आप यहाँ चारों तरफ। और कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, तो आपको बाहर से दिखा सकता हूँ बस। और यहाँ चार दुकान कैफे में हमेशा ही मतलब भीड़ रहती है टूरिस्ट की। कोई भी टूरिस्ट लाल टिब्बा आता है तो चार दुकान कैफे से पैनकेक, पिज्जा, मफिन्स, डोनट्स, पेस्ट्री, पता नहीं क्या क्या यार, मतलब खाता ही रहता है। फेमस लोकेशन है यहाँ की। और फ्रेंड्स, अब चंद मिनटों की दूरी पर ही है लाल टिब्बा, यस द हाईएस्ट पॉइंट हियर इन मसूरी। और यहाँ का ऑरा तो आप फील ही कर सकते हैं, मतलब ग्रीन, क्लाउडी, पीसफुल, क्लोज टू नेचर एंड फुल ऑफ ऑक्सीजन। और फ्रेंड्स, आप यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ देख सकते हैं टूरिस्ट की, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे टूरिस्ट कार या बाइक से डायरेक्ट लाल टिब्बा आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और तो यहीं पे क्राउड रहता है, बट वो मिस करते हैं फॉरेस्ट एरिया की वॉकिंग, लंडौर की सॉल को मिस कर देते हैं यार वो। और फ्रेंड्स, लाल टिब्बा में यहाँ पे दो कैफे हैं जो 50 रुपीज पर हेड एंट्री चार्जेस लेते हैं बाइनोकुलर्स से देखने का। बाकी तो बस यहाँ ग्रीन लश एनवायरनमेंट है, आपको इतना अच्छा लगेगा कि नेक्स्ट टाइम ना आप होटल ना मसूरी में नहीं, लंडौर में बुक कराएंगे, आसपास ही लाल टिब्बा के। एंड फ्रेंड्स, दिस इज द व्यू पॉइंट। और ऊपर से आपको क्लियर व्यू दिखता है, मतलब अब तो क्लाउडी क्लाउडी एनवायरनमेंट है तो कुछ ऐसा फॉगी फॉगी दिखेगा, तो शायद ना देखो। टूरिस्ट भी तो इतने हैं, सभी को देखना है, तो भाई भीड़ भाड़। फ्रेंड्स, लवली ओरा हेयर एट लाल टिब्बा, मतलब अमेजिंग है यार। और वैसे इस लाल टिब्बा को इसलिए बोलते हैं, हाँ, लाल टिब्बा बिकॉज यहाँ की जो मिट्टी है वो रेडिश ब्राउनिश कलर की है। और यहाँ से आप हिमालयस की बहुत सारी चोटियों के दर्शन कर सकते हैं, बशर्ते मौसम साफ हो, क्लाउडी क्लाउडी ना हो। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सनसेट एंड सनराइज पॉइंट। एंड फ्रेंड्स, नाउ रोमिंग टुवर्ड्स मसूरी, रिटर्न वापस मसूरी जा रहे हैं। इस बेहतरीन फॉरेस्ट के बीच में पैदल पैदल जाने का मतलब एक अलग ही फील है। और यार थोड़ा फॉगी फॉगी एनवायरनमेंट होता तो बस मजा ही आ जाता। और वैसे सर्दियों में ये पूरा एरिया स्नो से कवर्ड रहता है। और फ्रेंड्स, अब दूसरे रास्ते से घूमते घूमते हम आ गए हैं लंडौर की फेमस केलोंग चर्च। मतलब बस आप घूमते रहो इन हसीन रास्तों में और खाली सड़क पे चर्च खुद ही एक पिक्चर पॉइंट बन जाएगी यार। मतलब क्या जबरदस्त ऑरा है यहाँ का। एंड फ्रेंड्स, नाउ गोइंग बैक टू होटल, और वही मसूरी की मॉल रोड की तरफ, और वही भीड़ भाड़ वाला एरिया। और वैसे नेक्स्ट टाइम मैं आया मसूरी तो भाई होटल तो लंडौर में ही बुक कराना है। मतलब दिन में कैंटी में घूमो, कैंटी में नहा धो के आओ, और शाम को इस फॉरेस्ट इवनिंग में वॉक करो, मतलब चेरी ऑन द टॉप टाइप हो जाएगा। और फ्रेंड्स, पैदल पैदल उतरते उतरते कब हम मॉल रोड को टच कर गए कुछ पता ही नहीं चला। और वैसे तो सारी एनर्जी तो ऊपर चढ़ने में लग गई थी, आना तो काफी आसान है रिटर्न। और नाउ वी आर एट मॉल रोड, और कुछ परचेज करना हो या पैक कराना है मसूरी स्पेशल कुछ तो आप यहां से करा सकते हैं, नहीं तो फिर अपन चलते हैं होटल और रेस्ट करते हैं, नेक्स्ट डे दिल्ली निकलना है भाई, देहरादून घूमते हुए।
एंड फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग दिस इज मसूरी, लिटिल लिटिल शार एंड फॉगी फॉगी एनवायरनमेंट, ऑसम। और फ्रेंड्स, दिल पर पत्थर रख के पैकिंग की, अब कैसे जाएं या रिटर्न, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और ये मौसम कितना जबरदस्त है यार, मतलब मॉल रोड पे ऐसे फॉगी एनवायरनमेंट में टहलना और लंडौर के फॉरेस्ट ट्रैक पे, मतलब मजा आ जाता है यार। खैर, प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, गोइंग बैक टू दिल्ली, और रास्ते में घुमाते फिर आपको देहरादून। एंड फ्रेंड्स, ऑन द वे टू देहरादून, मसूरी रोड पर ही पड़ता है प्रकाशेश्वर महादेव टेम्पल, मतलब महादेव जी का बहुत ही अद्भुत मंदिर, और क्या गजब का आर्किटेक्चर है यार। और फ्रेंड्स, देहरादून में ही कुछ ही दूर पे है टिबेटन मोनेस्ट्री, और अभी भी शायद टेम्पल बंद है, क्लोज है, बट यू कैन फील द ऑरा ऑफ टिबेटन टेम्पल एंड कलरफुल वॉल्स एंड पीसफुल क्लाइमेट। और फ्रेंड्स, बिल्कुल तिब्बतन मोनेस्ट्री के बगल में ही है साई बाबा मंदिर, तो भाई इसको मिस मत करना, आप आए हैं तो दर्शन करके जाइए। एंड फ्रेंड्स, फ्यू मिनट्स फ्रॉम साई टेम्पल, हियर हम हैं मसूरी के बेस्ट पॉइंट रॉबर्स केव, जिसको गुच्चू पानी भी कहा जाता है, द अल्टीमेट पॉइंट इन देहरादून। अब सच बताऊं तो इतनी भीड़ है यहाँ गुच्चू पानी में टूरिस्ट की कि भाई पूछो मत यार। और फ्रेंड्स, ऑफ सीजन में यहाँ इतनी अच्छी लोकेशन है, मतलब आप आराम से यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और कहा जाता है कि चंबल के डाकू यहाँ अपने हॉलीडे टाइम, मतलब हॉलीडे स्पेंड करने आते थे। अब यार उनको एंजॉय करने कुछ ना कुछ एरिया तो चाहिए ना, पर अब एग्जैक्ट तो नहीं पता यार चंबल के डाकू, बट हाँ देहरादून का ये सबसे बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा ट्रिप मसूरी और लगे हाथ लंडौर, और जल्दी जल्दी थोड़ा सा देहरादून भी कवर कर लिया हमने। और फ्रेंड्स, होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और वैसे भी मसूरी तो यार सबका ऑल टाइम फेवरेट है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यारा। और आपका भी कुछ अगर जो एक्सपीरियंस है मसूरी को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं जल्द ही किसी नई लोकेशन के साथ, और उम्मीद करूंगा कि जल्द ही आप भी मसूरी का ट्रिप प्लान करेंगे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रेंड्स, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।